जय श्री कृष्ण। कैसा रहेगा आज का दिन, देखिए एक नजर में। मेष राशि, आज रविवार के दिन आपके अंदर कुछ नए प्लान और इरादे जाग रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही आपको लगेगा कि इन सब का पालन करना या अमल में लाना बहुत ज्यादा आसान नहीं है। कठिनाइयां और असमर्थता के चलते आपको कुछ वैकल्पिक उपाय भी सोच लेना चाहिए। वृष राशि, किसी निश्चय या संकल्प को पूरा करने के लिए आज छुट्टी के दिन आप किसी धार्मिक या आध्यात्मिक व्यक्ति की शरण में जाने की सोच रहे हैं। मानसिक तौर पर कुछ दिनों से आपके लिए एक न एक छोटी मोटी घटना या समस्या कुछ नए और अजीब से संकेत दे रही है। आपके लिए शत्रु पक्ष और विरोध भी आंखें तान कर बैठा हुआ है। इन सब से लोहा लेना फिलहाल तो जरूरी है। मिथुन राशि, रविवार के दिन अचानक ही कुछ ऐसी मजबूरी आपके सामने आ सकती है जिसमें कोई भारी खर्च करना पड़ सकता है, लेकिन यह सोचकर संतोष कर सकते हैं कि कमाया हुआ धन आखिर किसी अच्छे काम में तो लगा देने से मन को संतोष हुआ है। कुछ यात्राएं करने का भी मौका मिलेगा। कुछ निश्चय और संकल्प भी सायंकाल तक पूरे हो सकते हैं। कर्क राशि, आज छुट्टी के दिन आपको किसी और के लिए जहाँ छोटी मोटी यात्रा करनी पड़ेगी, वहाँ कुछ कानूनी मसलों के अलावा विवाद और मुकदमों में उलझने की आशंका भी रहेगी। यदि आप अपनी मान प्रतिष्ठा के प्रति सचेत है तो हो सकता है आपके विपरीत विचार आगे चलकर आपको फायदा पहुंचा दे। सभी प्रकार की रणनीति अपनाना आज के समय में जरूरी है। सिंह राशि, रविवार के दिन आप अपने परिजनों के द्वारा धन की बढ़ती मांग को लेकर कुछ खिन्न और स्तब्ध रह सकते हैं, लेकिन यह सोचकर आपको राहत मिलेगी कि एक लंबे समय के बाद आप कुछ ठोस कार्य करने के लिए आगे आ रहे हैं। जितना भी आप इतनी लंबित पड़े हुए विवाद को जल्दी से जल्दी सुलझाने में सक्रियता दिखाएंगे, उतना आपका कल्याण होगा। कन्या राशि, अपने कारोबार या व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए आप काफी समय से अलग अलग किस्म के प्रयोग करते आ रहे हैं, लेकिन प्रयासों के बावजूद आपके द्वारा उठाए गए कदम और प्रयोग फिलहाल सफल होते नजर नहीं आ रहे हैं। इन सब बातों पर जो समय और धन का नष्ट होना तय है, उसका मनस्ताप तो आपको कुछ दिनों के बाद और ज्यादा बढ़ेगा। तुला राशि, आज रविवार के दिन अपने कारोबार में आर्थिक मामलों से निपटने के लिए आपको अपनी जमा पूंजी और बजट पर गंभीरता से विचार करना होगा। यदि ऐसा नहीं करते तो आप किसी ऐसे जरूरी निवेश या धन लाभ से वंचित हो जाएंगे जो आगे चलकर एक फायदे का सौदा बन सकता है। यदि पहले आपने इस दिशा में कोई सोच विचार नहीं किया है तो अब भी उस तरफ मुड़ने में कोई हानि नहीं है। वृश्चिक राशि, धन की कटौती या खर्च की कटौती करना आजकल आपके लिए एक सरदर्द बन चुका है। जरूरी और महत्वपूर्ण कार्य बार बार आपके धन कोष को और पॉकेट पर भारी पड़ते जा रहे हैं। वैसे तो छुट्टी के दिन बहुत बड़े स्तर पर जो परिवर्तन हो रहे हैं उनमें आपको निश्चित रूप से कुछ न कुछ राहत प्राप्त होगी। कई मोर्चे पर आपको बार बार सोच विचार करना पड़ रहा है, यह सब आज की जरूरत के हिसाब से चल रहा है। यदि आप किसी कारोबार या व्यापार में अपने प्रौढ़ अवस्था से जुड़े हैं तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति आपका पीछा कर रहे हैं, कुछ समय देकर उनसे मिलना भी आवश्यक है। मकर राशि, छुट्टी के दिन महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मेलजोल बढ़ाने में आपको कामयाबी हासिल होती है। नौकरी या बिजनेस में बहुत बड़े स्तर पर जो परिवर्तन हो रहे हैं वह आपके सोच विचार और व्यक्तित्व के अनुसार ठीक ही हो रहा है। कुल मिलाकर आपको अपने व्यय और खर्च इस पर अंकुश लगाना जरूरी होगा और बढ़ते खर्च को रोकने के लिए अपनी आदतों को भी थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। कुंभ राशि, आज रविवार के दिन आपका ध्यान भोजन
फैशन और धन अर्जित करने में लगा रहेगा। किसी अच्छे व्यापार स्थल या शॉपिंग मॉल्स में जाकर कोई जरूरी बहुमूल्य चीज खरीदने की योजना आप बना सकते हैं। सायंकाल के समय किसी सभा समारोह या दावत पार्टी में आपको बुलाया जाए, लेकिन यह सब आप अपने नए कार्यक्रम के अनुसार ही पूरा करेंगे। मीन राशि, नए साझेदारी या कारोबार करने के लिए आज रविवार के दिन बहुत अच्छे प्रस्ताव आपको मिल सकते हैं। जीवन साथी के प्रति अच्छा व्यवहार रखना आपके लिए जरूरी होगा। अगर आप कुछ मामलों में अपने जीवन साथी से बेहतर सोच पैदा कर सके तो उत्तम होगा। कोई ऐसा भी है जो लंबे समय से आपको याद कर रहा है, वह अचानक कहीं पर आपको मिल सकता है और यह आपके लिए एक सुखद क्षण होगा। शुभम भवतु।